हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक विद अक्की में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे रिफ़ंड किया है तथा अगर आपने उसका पैसा अपने फ्लिपकार्ट वॉलेट में कर लिया है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग उससे स्वैपिंग कैसे करेंगे तथा अगर आप लोगों के वॉलेट में कम पैसे हैं और आप लोगों का प्रोडक्ट ज़्यादा का है तो उसका सलूशन मैं भी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि अगर आपने अपना पैसा फ्लिपकार्ट वॉलेट में कर लिया है तो आप लोग उसे किसी भी थर्ड पार्टी से अपने बैंक अकाउंट में नहीं वापस ला सकते। आप लोगों को उसके लिए ही रास्ता बचता है, आप लोगों को शॉपिंग ही करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को केवल ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों के वॉलेट में वॉलेट के पैसे को आप लोग यूज कैसे करेंगे और अगर आपके वॉलेट में कम पैसे हैं और का प्रोडक्ट अधिक का है तो आप लोग कैसे उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को सिंपली सबसे पहले अपने फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना होगा। तो चलिए हम अपना फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ कॉर्नर पे 3 लाइंस दिख रही होगी, आप लोगों को सिंपली उस 3 लाइन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप लोगों को मेरा अकाउंट सेशन में चले जाना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ आप लोगों का मेरा कार्ड और वॉलेट शो हो रहा होगा। सो इसमें मेरे अभी 194 रुपीज़ पड़े हुए हैं मेरे वॉलेट में। सो दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आप लोग इससे शॉपिंग कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचे तो आप लोग यहां ये देख सकते हैं, ये 399 रुपीज़ का है। अगर दोस्तों मैं इसे परचेज करना चाहूं और मेरे वॉलेट में केवल 194 रुपीज़ हैं तो मैं इसे कैसे परचेज करूँगा। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ ऑर्डर दे पर क्लिक करना है और इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ टू कंटिन्यू या जारी रखे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ गिफ्ट कार्ड्स पे ऊपर ही क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, इसमें से हमारे 194 रुपीज़ कट हो चुके हैं और इसके बाद आप लोगों को शेष अमाउंट आप लोगों को केवल UPI वॉलेट या क्रेडिट डेबिट कार्ड या ATM या नेट बैंकिंग के थ्रू देना होगा। इसके अलावा आप लोग कैश ऑन डिलीवरी आधे पैसे का नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ UPI पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद हम जारी रखें। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को यहां अपनी UPI ID दर्ज करनी है और इसके बाद यहां अगर आप लोग इसे दर्ज करने के बाद अब भुगतान करें, यहां पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना होगा और आप लोगों का ऑर्डर कंटिन्यू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इसे ऑर्डर करने वाला नहीं हूं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा कि आप लोग अपने वॉलेट का पैसा यूज कैसे कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपके वॉलेट में ज़्यादा पैसे हैं और आप किसी कम पैसे वाले चीज़ का शॉपिंग करते हैं तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों का जितने का वो प्रोडक्ट है उतना आप लोगों के वॉलेट में से कट हो जाएगा और बाकी का पैसा आप लोगों के वॉलेट में ही रह जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और टाटा दोस्तों।